हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखना है? इलेक्ट्रिक डायपोल को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटो डायरेक्शन हर जगह पर क्या रहे, तो उसे क्या बोलते हो आप? अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, लिसन, ये चार्ज है माइनस क्यू और ये चार्ज है प्लस क्यू, ये रहा डायपोल, ये रहा डायपोल, ये चार्ज कितना है? ये चार्ज है प्लस क्यू, बोलो, और ये चार्ज क्या है? आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसके हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटो डायरेक्शन दोनों क्या रहे? सेम रहे। अब दो दिन पहले हम लोगों ने देखा कि जब भी कभी किसी चार्ज क्यू को एक्सटर्नल फील्ड ई में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। कितना लगाती है? जब कभी किसी चार्ज क्यू को एक्सटर्नल फील्ड ई में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है। कितना लगाती है? क्यू ई लगाती है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इस कहानी में जो नेट फोर्स आएगा, इस कहानी में जो कौन सा फोर्स आएगा? नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स होगा, सर उधर लगाइए क्यू ई, सर इधर लगाइए क्यू ई, दोनों कैंसिल हो जाने के बाद में नेट कितना आ जाएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? अर्थात जब भी कभी किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नेट फोर्स लगाती है जीरो। ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना, क्योंकि इस पर लगा इधर, इस पर लगा इधर, जब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी जाके कैंसिल हो पाएगा, और बराबर तभी हो पाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर क्या रहे, ठीक है, तब जाकर। तो ये नेट फोर्स आ रहा है जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा, अगर किसी बॉडी पर किसी तरह का कोई फोर्स ना लगाया जाए, किसी अगर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो इस स्थिति में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, रैखिक गति नहीं होगी, नो ट्रांसलेटरी मोशन विल टेक प्लेस। ट्रांसलेटरी मोशन इस केस में क्या होगा भाई? कभी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हो तभी जाकर वो ट्रांसलेटरी मोशन करती है, जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं होगा। करिए, तो नेट फोर्स इस केस में कितना आ रहा है सर? और बॉडी इस कारण से कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। अभी सुनिए, अगर कभी किसी भी सिस्टम पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक और बात है कि अगर कभी किसी भी सिस्टम पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगें, बशर्ते कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, जैसे इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, लग रहा है कि नहीं, इस पर फोर्स लगा इस तरफ, इस पर फोर्स लगा इस तरफ, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर बनाएंगे एक कपल। क्या बनाएंगे? एक कपल, बल युग्म उसे हिंदी में कहते हैं हम लोग। दोनों फोर्सेस मिलकर एक कपल बनाएंगे, एक टॉर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टॉर्क, बल आघूर्ण जिसे हम हिंदी में कहा करते हैं। तो इस कहानी में क्या होगा? नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन इस केस में क्या लगेगा उस पर? टॉर्क लगेगा। टॉर्क बोल दो या फिर क्या बोल दो? When two equal and opposite forces act on a body, such that their line of action is different, they together make a torque. दोनों मिलकर एक टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क जो रोटेशन करने में काम आता है, जो घुमाने में काम आता है, किस में काम आता है? तो वो कैसा होगा समझिए। सपोज करो ये जो डायपोल की एक्सिस है भाई, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी रह ली मैंने, और ये डायपोल की एक्सिस है, ये डायपोल मूवमेंट है, यूँ कहा जाए। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल फर्ज करो कितना है? थीटा। कितना एंगल है? तो यहाँ तुम देखो
इसको इससे ज्वाइन करूंगा मैं, ये डिस्टेंस है 2a, ये प्लस क्यू चार्ज था इससे मैंने नाम दे दिया a, ये माइनस क्यू चार्ज था इसे मैंने नाम दे दिया b। अब यहाँ कितना फोर्स लग रहा था, QE, और यहाँ कितना फोर्स लग रहा था, सुनाई नहीं दिया हमें, वहाँ कितना फोर्स लगा QE और यहाँ कितना लगा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा। तो जो कपल होता है बेटा वो कपल किसके बराबर होगा, कपल या टॉर्क, वो जो टॉर्क होता है वो होता है दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, जैसे वो इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया सी। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स, नेचुरल सी बात है दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, दोनों फोर्सेस क्या है, सो आइदर ऑफ दोस टू फोर्स ले लो, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एसी, क्या होगी, एसी होगी। और ये एसी से पहले अपन एक काम करो, यहाँ देखो एसी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, बोलो होता है या नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो यहाँ से एसी निकालो, एसी कितना आएगा, ए बी, ए बी इंटू साइन थीटा, और ए बी क्या है, 2a, ए बी कितना है, 2a, बोलो है। तो यहाँ अब मैं टॉर्क निकालता हूँ, तो टॉर्क क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, या तो ये ले लो, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये फोर्स कैसा है ऐसा, और ये वाला फोर्स कैसा है ऐसा, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगी ना, एफ कितना है, क्यू ई, एफ कितना है, और ये कितना है, टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये इसको लिख सकते हो क्यू इंटू टू ए, और ये किसके बराबर होगा, क्यू इंटू टू ए क्या होगा, क्यू इंटू टू ए क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, पी ई क्या, साइन थीटा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज टॉर्क। आई रिपीट भाई, नेट फोर्स तो कितना हो चुका है यहाँ पर, नेट फोर्स कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। मसले की बात मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, नेट फोर्स जीरो हो चुका है। और जब कभी किसी बॉडी पर या सिस्टम ऑफ बॉडीज पर नेट दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे बशर्ते उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो दे टुगेदर मेक अ कपल, सब मिलकर क्या बनाते हैं एक, तो कपल की वैल्यू क्या होती है, कपल की वैल्यू होती है दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक फोर्स ये वाला है, एक फोर्स ये वाला है, ये और ये के बीच की डिस्टेंस ये वाली होगी, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कौन सी होगी, यही वाली होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एसी बराबर क्या आ गया, अरे बोलो, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक फोर्स और उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एसी की वैल्यू तुमने निकाली वो आई है, इस टू ए को इधर ले गए, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट को बोलते हो तो डायपोल मोमेंट। बोलो, तो टॉर्क क्या आ गया, पी क्रॉस, पी क्रॉस पी पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पी क्रॉस ई लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, इंटू एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, बोलो है या नहीं। तो टॉक को तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बोलो, अरे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखते हो, करिए, कर लिया बेटा। तो टॉर्क जो आ गया वो आ गया पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। अब इसके क्या देख रहा हूं मैं, इसके
मैं इसके स्पेशल केसेस देखूंगा। सुनो, पहला केस, अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो, थीटा की वैल्यू 0 या 180 है, मतलब क्या? देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर डायपोल मोमेंट इसी डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा? या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, या तो 0 या फिर 180। तो इस केस में टॉर्क कितना आएगा? अगर ऐसा रहेगा तो जरा दिमाग लगाओ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इस केस में टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क 0 लगेगा। और दिमाग लगाओ, टॉर्क 0 क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर तुमने उसके अलांग रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा फोर्स इस तरफ और नेगेटिव लगे पर लगेगा इस तरफ। अब ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गई। भाई कंडीशन क्या है? फोर्स इक्वल और अपोजिट हो, तो इक्वल जैसा इधर लग रहा है वैसा इधर लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन तो डिफरेंट है ना। अब तुमने इस पिक्चर में क्या कर दिया? अलांग रख दिया, तो इस पर लगा फोर्स इधर, इस पर लगा इधर, तो क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गई। तो नेचुरल सी बात है, टॉर्क नहीं लगना, टॉर्क नहीं लगना। इस केस में टॉर्क मिनिमम आ रहा है, यूं कह दिया जाए टॉर्क 0 लगेगा। ठीक है, ये पहला केस। और दूसरा केस क्या है? अगर थीटा कितना हो, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डायपोल मोमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90। तो टॉर्क कितना होगा? पी साइन 90। और पी साइन 90 यानी कितना आ गया? ये टॉर्क की कौन सी वैल्यू आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो इस पिक्चर में जो टॉर्क लगेगा वो भी क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा। बोलो, इसको यूँ भी समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। भाई देखो, फोर्स तो क्यू ही लग रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर ऐसा हो गया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ऐसे करोगे तो डिस्टेंस कम हो गई। आपको कौन सी डिस्टेंस लेनी है? परपेंडिकुलर। अब इसको आपने ऐसा कर दिया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि जो टॉर्क है वो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अरे बोलो, अब फोर्स यहाँ पर क्या हो गया? वो तो क्यू ही लग रहा है, लेकिन इस केस में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई? तो नेचुरल सी बात है, टॉर्क भी क्या लगेगा इस केस में? कर लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना। अभी तो मैंने टॉर्क निकाला, लिसन, अभी मैं डायपोल को घुमाने में, लिसन, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में कितना वर्क करना है मैं वो निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, सुनना, इधर ध्यान दीजिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो डायपोल मूवमेंट है वो ये रहा, इलेक्ट्रिक डायपोल ये रहा, ध्यान दीजिए बच्चों। और इन दोनों के बीच में पहले कितना एंगल था? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पहले कितना एंगल था और बाद में कितना एंगल? भाई पहले डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा वन था, बाद में उस एंगल को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बढ़ाकर या घटाकर कुल मिलाकर चेंज कर दिया गया थीटा वन से थीटा टू। भाई पहले ये था, इससे ये कहानी आई। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पहले एंगल क्या था? थीटा वन था। बाद में एंगल को कितना कर दिया गया? थीटा टू। मुझे इस केस में पूछा है कितना वर्क करना पड़ेगा, मुझे जानना है कितना वर्क करना पड़ेगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। अरे ये जानना चाहता हूँ, हमें मालूम है किसी भी
मैकेनिकल प्रोसेस में वर्क डन होता है एफ डॉट एस। एफ क्या लगाया गया फोर्स और एस क्या दिया गया डिस्प्लेसमेंट। एफ क्या है और एस क्या है, पर ये वाला फार्मूला मैं यहाँ लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने उसको लीनियर मोशन दिया ही नहीं है, मैंने उसको ट्रांसलेटरी मोशन दिया ही नहीं। मैंने तो कौन सा मोशन दिया उसको, रोटेशनल मोशन। बोलो ना भाई, किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज द फार्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वर्क डन, बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल इन केस व्हेन बॉडी इज गिवन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, मैंने तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, व्हाट टू डू इन दिस रिगार्ड, क्या करूंगा मैं। तो यहां वर्क डन निकालने का तरीका है टॉर्क, ये करेंगे हम, ठीक है। जब लीनियर मोशन होता है तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जब एंगुलर या रोटेशनल मोशन होता है तो टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क करता है। लीनियर मोशन में जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस करता है रोटेशनल मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा करता है। बोलो, ये एनालॉजी है दोनों के बीच की। लीनियर मोशन के समय जो काम किसने किया, वही काम रोटेशनल मोशन या एंगुलर मोशन के टाइम पर कौन कर रहा है। जो काम वहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता था वो यहाँ पर कौन करता है। अब यहाँ मसले की बात यह कि जब तुमने उसको एंगल थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया तो टॉर्क लगातार चेंज होता गया। क्यों चेंज होता गया, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला है सर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। टॉर्क थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा किसके बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का। बोलो ना यार, थीटा किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है। अब तुमने क्या करा, एंगल को थीटा वन से थीटा टू तक चेंज किया तो एंगल लगातार चेंज हो रहा है। जब एंगल लगातार चेंज होगा तो टॉर्क भी लगातार क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। एक एक बात तुम्हें समझा रहा हूं मैं भाई, ये वाला काम अपन टॉर्क जो है वो लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। थीटा की वैल्यू थीटा वन से थीटा टू तक मैं लगातार चेंज करता गया तो टॉर्क की वैल्यू लगातार चेंज होती गई। तो जब ऐसा लगातार चेंज हो रहा है तो फिर मैं वर्क डन कैसे निकालूं, तो फिर उस केस में मैं पहले इनफाइनाइटली स्मॉल वर्क डन निकालता हूं, पहले छोटा सा वर्क डन निकालता हूं मैं, वो ये आया। तो टोटल वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, इन सबका सम, टॉर्क डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, किसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हो तुम, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिमिट भी किसकी पुट करोगे, थीटा की। लिमिट भी थीटा की पुट करोगे, जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले आओ, तो ये आ गया। अब साइन थीटा का इंडिकेशन क्या होता है सर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या, इसको माइनस को आगे ले आओ तो माइनस पी ई, और फिर क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन क्या आएगा, पी ई इंटू कितना, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बोलिए, आई रिपीट भाई, ये हमारे पास में हम क्या कर रहे हैं, डायपोल को घुमाने में कितना वर्क कर रहे हैं वो देख रहे हैं। पहले डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच में पहले कितना एंगल था और बाद में कितना एंगल कर दिया गया। तो वर्क डन जो होता है वो लीनियर मोशन के टाइम पर क्या होता है, एफ डॉट एस, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा मोशन दे रहे हो, एंगुलर मोशन, तो एंगुलर मोशन के टाइम पर क्या होगा, बोलो। तो ये हो जाएगा टॉक, टॉक की वैल्यू कितनी है, पी को कहाँ ले आए, बाहर ले आए, बोलो ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या, माइनस साइन को भी यहाँ ले आए, फिर लिमिट पुट करी थीटा की जगह थीटा टू, माइनस थीटा की जगह थीटा वन, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा टू। बोलो, करिए, कर चुके। तो ये डायपोल को घुमाने में वर्क है। अब इसके भी हम क्या लेते हैं भैया,
स्पेशल केसेस। सुनिए, पहला, अगर थीटा वन की वैल्यू जीरो हो और थीटा टू की वैल्यू कितनी हो, यदि थीटा वन की वैल्यू जीरो हो और थीटा टू की वैल्यू कितनी हो, तो वर्क डन क्या होगा, पीई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी, ये पहला केस। दूसरा केस क्या, अगर थीटा वन की वैल्यू जीरो हो और थीटा टू की वैल्यू कितनी, थीटा वन की वैल्यू ये और थीटा टू की वैल्यू ये, तो वर्क डन क्या होगा, कॉस जीरो माइनस कॉस 90। चलो कॉस जीरो की वैल्यू बताओ कितनी और कॉस 90 की वैल्यू, तो वर्क डन क्या आ गया। ठीक, तीसरा केस, अगर थीटा वन की वैल्यू कितनी हो और थीटा टू ये, तो वर्क डन क्या होगा, कॉस जीरो कितना आ गया, ये इस केस में वर्क डन क्या आ रहा है, और ये जो आ रहा है भैया, ये वर्क मैक्सिमम वर्क आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, जो डायपोल को घुमाने में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क कितना हो सकता है, 2p। अंडरस्टूड, कर लीजिए। कर लिया। अब बात आती है भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम इस डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखें। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तुमने परसों देखी थी भैया, दो चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी डिस्टेंस तक लाए, लाने में जितना वर्क करा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो दो चार्जेस की थी, लेकिन यहाँ पर डायपोल की बोल रहे हैं। तो हाउ डू वी डिफाइन डायपोल की कैसे होती है, सुनना जरा मेरी बात भाई। ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा डायपोल, ये रहा डायपोल, ये रहा डायपोल, ठीक है। इन दोनों के बीच में पहले एंगल कितना है, और बाद में इन दोनों के बीच में एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री से थीटा एंगल करने में। पहले डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री था, जिसको बाद में चेंज करके कितना कर दिया गया, तो 90 से थीटा करने में जितना वर्क करते हैं, 90 से थीटा करने में जितना वर्क करते हैं, उसी वर्क को हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें, अर्लियर दोनों के बीच में एंगल कितना था और बाद में कितना एंगल कर दिया, 90 डिग्री से थीटा एंगल कर देने में जितना वर्क होता, उसी वर्क को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात, डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 90 डिग्री कंडीशन से कितने एंगल तक कर देने में जो वर्क होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसको खुद से डिराइव करो, इसका फार्मूला खुद से डिराइव करो। 90 डिग्री से थीटा एंगल तक घुमाने में वर्क डन निकालना है भैया, कैसे निकलेगा वर्क डन, कैसे निकलेगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर आ रही है, और वर्क डन वही शुरुआत में एंगल 90 और बाद में कितना, कहो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कितना आ गया, माइनस पीई
क्या होगा? कॉस 90 की वैल्यू कितनी? बोलिए। ठीक, ऐसा भी कर सकते थे, और अदरवाइज तुम्हारे पास डायरेक्ट फार्मूला था वर्क डन का, थीटा वन से थीटा टू घुमाने में वर्क डन का फार्मूला था कि नहीं? तो वहाँ थीटा वन की जगह 90 रखो भाई, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में ये वर्क डन का फार्मूला है कि नहीं? तो थीटा वन की जगह क्या रख दो 90, और थीटा टू की जगह क्या रख दो थीटा। बोलो, कर लिया हो? पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा भी कर सकते थे भैया, वर्क डन का फार्मूला क्या सर? पीई कॉस थीटा वन, ये है सर, ये कॉस जीरो, सॉरी पहले का एंगल क्या था 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, और ये फाइनली क्या आ गया? बोलो, ये हमने डिराइव किया। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं माइनस पी डॉट ई, तो कोई गलत तो नहीं है? क्यों, ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है रे? ए बी कॉस थीटा। बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये भी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये भी। कहो, पोटेंशियल एनर्जी का ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला है। बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी के दोनों ही फार्मूला हमारे पास है भैया। अब इसके हम वही स्पेशल केसेस देखें। पहला, यदि थीटा जीरो हो, थीटा जीरो अर्थात क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और डायपोल मोमेंट ऐसा, दोनों के बीच में एंगल कितना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस पी ई कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी? कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यह आया। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में क्या आ रही है बेटा? ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आ रही है? मिनिमम। रिमेंबर, आपने शुरुआत में देखा कि जब भी कभी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितना लगा? डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट फोर्स कितना लगा? और नेट फोर्स जीरो, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। और नेट फोर्स जब जीरो होता है तो बॉडी कहलाती है इक्विलिब्रियम में। अगर बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, तो वो कहलाती है इक्विलिब्रियम में। तो ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में जब कभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है ना, इक्विलिब्रियम में जब कभी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम भाई? इक्विलिब्रियम क्यों है सर? क्योंकि फोर्स जीरो था नेट, अब नेट फोर्स जीरो था तो वो इक्विलिब्रियम है, और इस केस में प्रिसाइजली क्या कहलाएगा? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस सुनिए, दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू मैंने 90 कर दी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और डायपोल मोमेंट ऐसा है, अगर ऐसा कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी? कॉस 90 की वैल्यू कितनी? जाहिर सी बात है जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि सर 90 डिग्री से किसी एंगल तक घुमाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते पोटेंशियल एनर्जी। 90 डिग्री से किसी एंगल तक घुमाने में जो वर्क डन होता है उसे बोलते पोटेंशियल एनर्जी। अभी 90 डिग्री पे ही है, तो 90 से 90 तक घुमाने में वर्क डन कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही आनी है। और चूंकि नेट फोर्स जीरो है, चूंकि नेट फोर्स जीरो, ये तो अपन पहले ही देख चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? नेट फोर्स जीरो, इसलिए वो इक्विलिब्रियम है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? तो इसे क्या बोलते हो तुम? इसे तुम कहते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है?
स्टेबल। और तीसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 180। क्या मतलब इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पोटेंशियल एनर्जी इधर है, एंगल कितना दोनों के बीच, कॉस 180 की वैल्यू कितनी, माइनस माइनस क्या, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई और मैक्सिमम आ गई। जब नेट फोर्स जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है तो वो क्या है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आ रही है तो ये क्या कहलाता है बेटा, इस कहानी को क्या कहा जाता है भैया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो स्पेशल केसेस हम लोग देख रहे थे बच्चों, अगर एंगल जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आई, नेगेटिव आई तो स्टेबल, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो आई तो न्यूट्रल, और पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आई तो क्या, अनस्टेबल। नेट फोर्स जीरो है तो ही इक्विलिब्रियम है, वरना इक्विलिब्रियम थोड़ी ना आएगा। बोलिए करिए, कर लिया भैया, सुनिए, तो ये कहानी थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। आगे सुनिए, हमने जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ बेटा, इस पर फोर्स कैसा लगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, सुनना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा इधर और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा इधर, तो ये डायपोल को कैसे करेगा, क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। अरे बोलो ना यार, ध्यान दो, दिमाग लगाओ, ये इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा और ऐसा हो जाएगा। अब जब ऐसे से ऐसा होगा ये, तब तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तब टॉर्क कितना हो जाएगा, वो रहा स्पेशल केस, देख लो टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन इसके बाद ये आगे रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका है इसके पास, नहीं आया समझ में भाई, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसा, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसा, तो ये ऐसे से ऐसा होगा, और ऐसे आने पर टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो टॉर्क जीरो हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद रुकेगा नहीं, क्यों नहीं रुकेगा, इट हैज़ गॉट द इनर्शिया ऑफ मोशन, चलती हुई गाड़ी एकदम से रुकेगी क्या, तो ये आगे बढ़ जाएगा, और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा घूम जाएगा, ये पूरा नहीं घूमेगा, देखना इस पर फोर्स लग रहा है इधर, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, तो ऐसे से ऐसा हुआ, पर रुका नहीं, क्या हुआ, ये आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया, फिर से इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, और इस पर लग रहा है, फिर से क्या होगा, ये ऐसा होगा, फिर टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा क्या, ये क्या होगा, ये फिर इस पर फोर्स लगेगा इधर, और इस पर फोर्स लगेगा इधर, फिर से ये कैसा होगा, ऐसा, टॉर्क जीरो होगा लेकिन रुकेगा क्या, आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्या करेगा ऐसे, इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेशन करेगा, रोटेट कर रहा है क्या, कई लोग बोलते हैं रोटेट करेगा, रोटेट करेगा क्या भाई, ये तुमको दिख रहा है ऐसा, ये दिख रहा है ऐसा, तो ये रोटेट होगा, ऐसा होगा, होगा, पर ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा घूम जाएगा, ये ऐसे से ऐसा हुआ, यहाँ इक्विलिब्रियम आया लेकिन ये आगे बढ़ गया, बिकॉज इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया था, चलते चलते यहाँ चलती हुई गाड़ी रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी, फिर से इस पर इधर इधर, तो ये वापस से ऐसा, बोलो, तो ये क्या करेगा, इसको ऑसिलेट करेगा, क्या करेगा इसके अंदर, अब मुझे उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है मुझे उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, सुनो, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे निकालूं, जरा इसको समझना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये डायपोल रखा था, ये डायपोल ऐसा रखा था, इस पे फोर्स लगा ऐसा QE, इस पे लगा फोर्स ऐसा QE, दोनों के बीच में एंगल सपोज थीटा है, तो उस कारण से क्या होगा, ये ऐसा घुमाएगा, इसको घुमाएगा, तो टॉर्क जो लगेगा इस कहानी में कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा। अब ये जो टॉर्क लग रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है, जरा ध्यान दो, सिंस दिस टॉर्क
इज ऑफ चूंकि ये टॉर्क कौन से नेचर का है, रिस्टोरिंग नेचर का है, सिंस दिस टॉर्क इज ऑफ रिस्टोरिंग नेचर, रिस्टोर क्यों, क्योंकि इसको लाने की कोशिश कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग द डायपोल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई, ये ऐसा है ये ऐसा, तो इसको ऐसा लाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, सिंस दिस टॉर्क इज ट्राइंग टू ब्रिंग द डायपोल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि वो वैसा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं इस टॉर्क को क्या लिखता हूँ, इस टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ माइनस पी ई साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि कौन से नेचर का है ये, रीस्टोरिंग, इसीलिए लिखा, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब इफ एंगल थीटा इज, यदि एंगल बहुत छोटा हो तो उस कहानी में हम क्या कर सकते हैं मालूम है, जिस एंगल से अपन ने घुमाया था, अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो ये साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिखा तो टॉर्क क्या आया बेटा, अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को अपन ने क्या लिख दिया, थीटा, तो टॉर्क क्या आ गया, माइनस पी थीटा, अरे बोलो, अगर एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर एंगल बहुत छोटा होता तो साइन थीटा हो या टेन थीटा, दोनों को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा, तो टॉर्क ये आ गया, अभी सुनना ये आ गया। बट एक और बात जानते हो कि जो टॉर्क होता है ना, जैसे टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा, जैसे फोर्स क्या होता है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर मोशन में कौन करता है, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वो एंगुलर मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो काम लीनियर एक्सेलरेशन करता है वो यहाँ पे कौन करता है, तो टॉर्क बराबर है आई अल्फा। उस बेसिस पर तुम्हारे पास में क्या कहानी आई, टॉर्क बराबर आई अल्फा, और टॉर्क बराबर आई अल्फा बराबर क्या ये आया, इससे तुम्हारे पास अल्फा क्या आ गया, ये आ गया, अरे आया कि नहीं। अब यहां तुमको एक बात बताऊं, चूंकि अल्फा क्या है यहां पर, अल्फा क्या है, एंगुलर भाई, वो लीनियर एक्सेलरेशन था, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो अल्फा जो यहां पर तुम्हारी को दिखाई दे रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, अल्फा किसके प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ डायपोल इज, डायपोल का मोशन क्या होगा, SHM, अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो माइनस साइन सहित तो वो मोशन क्या होता है, SHM होता है, वो क्या होता है, SHM, अगर वो SHM है तो इसे अब आप कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयर करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कीजिए, SHM की कंडीशन होती है, इक्वेशन होती है, अल्फा इक्वल्स टू क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलासिटी, क्या है ओमेगा यहाँ पर, एंगुलर वेलासिटी, तो इससे कंपेयर करोगे तो इससे कंपेयर करने पर तुम्हारे को क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, तो इससे ओमेगा क्या आ गया, यह आ गया, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो इससे टी इक्वल्स टू कितना आएगा? तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 पाई अंडर द रूट आई अपॉन, ठीक। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पी यहाँ पर डायपोल मोमेंट है, और ई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे बोलिए, सॉरी रिपीट। देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड है या डायपोल है? इस पर फोर्स लगा इधर, इस पर फोर्स लगा इधर, तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाने की कोशिश करेगा। अव्वल बात, टॉर्क कितना लगेगा? चूंकि वो उसको उसके डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, तो जब उसके डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो रीस्टोरिंग नेचर का है, उसको वापस से वैसा का वैसा करना चाह रहा है, तो वो रीस्टोरिंग कहलाता है। इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम? तो ये स्टेबल रीस्टोरिंग नेचर का है, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस लगा दिया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वो कौन सा नेचर का है? रीस्टोरिंग। अब अगर एंगल थीटा जो तुमने दिया था उसको डिस्प्लेसमेंट वो छोटा हो, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? तो टॉर्क क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब टॉर्क का फार्मूला आई इंटू अल्फा, जैसे वहाँ पर फोर्स का फार्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम एंगुलर मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम वहाँ पर फोर्स करता है वो यहाँ पर टॉर्क करता है, जो वहाँ पर मास करता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन करता है वो यहाँ पर, ठीक है। तो टॉर्क बराबर यह है, तो टॉर्क का फार्मूला ये भी और ये भी है, दोनों को इक्वल किया तो अल्फा की वैल्यू यह आ गई। अब चूंकि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस साइन सहित, इसीलिए मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा? और SHM है तो SHM को आप इससे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करोगे अल्फा ये थीटा ये माइनस ये तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? पी अपॉन आई। तो ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा क्या है? 2π/T। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये जो डायपोल है वो उसके अंदर कितने टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेगा? आई क्या है यहाँ पर उसका, पी क्या है और ई क्या है? कर लीजिए, अंडरस्टूड। तो ये इस केस पर डायपोल का जो मोशन है भैया वो क्या हो रहा है? SHM है, और उसका टाइम पीरियड क्या है? क्लियर। अभी तुमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को किस में रखा था बेटा? अभी तुमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। यू कैप दैट डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिसन, अब अगर मैं उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रखूं, इफ आई डू नॉट कीप दैट डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस स्थिति में क्या होगा? इस पर फोर्स लगा कुछ QE1 और इस पर फोर्स लगा कुछ QE2। बोलो इस केस में क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगा, और दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, कहाँ ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ है, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? क्यों? वहाँ पास पास हैं और यहाँ क्या है? तो इस केस में क्या नेट फोर्स 0 आ रहा है? सो इफ यू कीप दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट फोर्स इस केस में 0 नहीं आएगा। इस केस में नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आने के कारण इस केस में क्या होगा? नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस केस में ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और ऑसिलेटरी मोशन भी होगा, दोनों तरह के मोशन होंगे। पिछली बार कौन सा मोशन था? ट्रांसलेटरी था क्या? नहीं था। ऑसिलेटरी था क्या? पिछली बार ट्रांसलेटरी था क्या और ऑसिलेटरी था? इस बार दोनों, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा वो बता देता हूँ। इस केस में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा पी वेक्टर क्रॉस DE अपॉन DR। पी वेक्टर तो क्या है? डायपोल मोमेंट। और DE अपॉन DR क्या है?
डी अपॉन डी आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। बोलो, पी तो है डायपोल मूवमेंट और डी अपॉन डी आर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। बोलो, ठीक। तो इस केस में फोर्स भी लगना है और टॉर्क भी लगना है, और पिछले केस में क्या था? फोर्स लग रहा था लेकिन टॉर्क नहीं, टॉर्क लग रहा था लेकिन फोर्स। इस केस में फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, दोनों लगेंगे। यहां पर जो टॉर्क है वो भी नॉन जीरो है और फोर्स भी नॉन जीरो है। पिछली बार फोर्स जीरो था और टॉर्क नॉन जीरो था। बोलो,